बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी पिछले एक महीने से दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मजा भी बहुत आ रहा होगा पढ़ने में, तो हर दिन की तरह अब तो आपको आदत हो गई होगी कि जब भी दूरदर्शन के आगे बैठे तो अपना कॉपी और कलम लेकर ही बैठते होंगे। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज का एपिसोड भी हम कक्षा 9 से शुरू करते हुए गणित में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है हेरॉन का सूत्र, यानी कि हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके बाद बच्चों हम सामाजिक विज्ञान का पाठ मानव एक संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान का पार्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को और आगे पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में सामाजिक विज्ञान में सत्ता की साझेदारी के बारे में जानेंगे। तो एपिसोड का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की गणित का अध्याय 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेरॉन का सूत्र। इस अध्याय को हमने 4 भाग में बांटा है। आज हम हेरॉन का सूत्र का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय, अर्थात इस अध्याय को शुरू करने से पहले आपको जिन चीजों की जानकारी होनी चाहिए वो एक बार दोहराएंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। इस अध्याय में सबसे मुख्य दो चीजें हैं, परिमाप और क्षेत्रफल। आइए जानते हैं कि क्या होते हैं ये। स्क्रीन पर आपको जो दो आकृति दिख रही है इनमें से एक है वर्ग और दूसरा है आयत। इन आकृतियों को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई को हम कहते हैं परिमाप। अर्थात परिमाप क्या होता है? किसी आकृति, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई परिमाप होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल की तरफ। इन आकृतियों में आपको जो रंगीन भाग दिख रहा है वो है हमारी आकृति का क्षेत्रफल। अर्थात क्षेत्रफल क्या होता है? किसी ज्यामिति आकृति द्वारा समतल पर घेरे जाने वाला स्थान के माप को आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए अब हम आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र को दोहराते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई योग चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। चलिए अब हम बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। स्क्रीन पर आप जो आकृतियां देख रहे हैं ये सभी त्रिभुज की आकृतियां हैं, और त्रिभुज की परिमाप निकालने के लिए हम तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं, जैसा कि आप सबने अपनी पिछली कक्षाओं में किया होगा त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिलता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को हल करके ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC जिसकी भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और जैसा कि आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई को हल करके ज्ञात कर सकते हैं। हमारे त्रिभुज ABC में आधार होगा हमारा 5 सेंटीमीटर का और ऊंचाई होगी हमारी 12 सेंटीमीटर की। तो चलिए इनका मान हम त्रिभुज का क्षेत्रफल में
प्रतिस्थापित करते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 1/2 × 5 × 12 सेंटीमीटर वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर वर्ग, यानी हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 30 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है भुजा 10 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा होगी 10 सेंटीमीटर की। ये रही हमारी समबाहु त्रिभुज PQR, जिसकी तीनों भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर की, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 × आधार × ऊंचाई करके ज्ञात कर सकते हैं। पर इस प्रश्न में हमारे पास आधार का मान है परंतु ऊंचाई का मान नहीं है, तो पहले हम त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। त्रिभुज PQR की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें भुजा QR की मध्य बिंदु प्राप्त करनी होगी, जो कि होगा M, जो भुजा QR को दो बराबर भागों में बांट रही होगी, जिससे कि हमें मिल जाएगा QM बराबर MR बराबर 5 सेंटीमीटर का। अब हम मध्य बिंदु M और P को मिलाएंगे। जब हम मध्य बिंदु M और P को मिलाएंगे तो हमें दिखेगा कि त्रिभुज PMQ समकोण त्रिभुज है, जिसका आधार है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर। पर हमें त्रिभुज PMQ की ऊंचाई नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें मिल रहा है PQ का वर्ग बराबर PM का वर्ग जमा QM का वर्ग। जब हम इन सभी के मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा 10 का वर्ग बराबर PM का वर्ग योग 5 का वर्ग, अर्थात QM बराबर है MR के, जो कि है 5 सेंटीमीटर के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा PM का वर्ग बराबर 100/25, यानी कि PM का वर्ग है हमारा 75, जिससे हमें मिल जाएगा PM बराबर वर्गमूल 75, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 5 × √3 सेंटीमीटर, यानी कि PM की लंबाई है 5 × √3 सेंटीमीटर, और यही लंबाई होगी हमारे त्रिभुज PQR की। तो चलिए अब हमारे पास त्रिभुज का आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो इनके मान को प्रतिस्थापित करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 1/2 × 10 × 5 × √3 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 25 × √3 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह हमने त्रिभुज PQR की क्षेत्रफल ज्ञात की, जो कि है 25 × √3 सेंटीमीटर वर्ग। तो इसी प्रकार से यदि आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप 1/2 × आधार × ऊंचाई को हल करके प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो क्या अब भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर मापी गई है, आप इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसका हल हम आपको हमारी अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा हीरोन का सूत्र का परिचय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हीरोन का सूत्र अध्याय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है वर्गमूल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा दूसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4 × √3 cm² है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 4 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है 7 सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 8 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 3 सेंटीमीटर। हमारा तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है वर्गमूल 3/4 a² सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है वर्गमूल 3/2 a² सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है 2 × √5 cm². हमारा चौथा प्रश्न है यदि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पांचवा प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों बराबर भुजा 4 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर की है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है वर्गमूल 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा विकल्प है वर्गमूल 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम जानते हैं इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर को। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि पहला विकल्प। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि पहला विकल्प। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि दूसरा विकल्प। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि पहला विकल्प। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि पहला विकल्प। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है अर्थशास्त्र का पार्ट 2 मानव संसाधन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी क्या होती हैं, मानवीय पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, जनसंख्या का अर्थ और हमारे देश में शैक्षिक अनुसंधान और उनका विकास। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव संसाधन की। मानव श्रम उत्पादन के लिए एक अनिवार्य साधन है। इस श्रम की पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या द्वारा की जाती है। हर देश की सरकार अपने मानव संसाधन में निवेश करती है जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या जब उस देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाए उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य की शारीरिक क्षमता, उसकी बौद्धिक योग्यता और कौशलता बढ़ने से मानवीय पूंजी भंडार में बढ़ोतरी होती है। इससे देश की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। सरकार द्वारा किए गए इन सभी निवेशों को मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। तो दोस्तों, आर्थिक विकास के लिए मानवीय संसाधन का विकास अथवा मानव पूंजी निर्माण बहुत आवश्यक है। मानव पूंजी निर्माण कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा के महत्व की। दोस्तों, शिक्षा और प्रशिक्षण मानवीय संसाधन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उचित शिक्षा नागरिकों की सोच, ज्ञान और उनकी क्षमताओं का विकास करती है। इन्हीं के साथ साथ उनकी योग्यता और क्षमता भी बढ़ती है।
हर इंसान का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक नजरिए से भी। शिक्षित परिवारों के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण भी होता है। शिक्षित परिवारों के लोग अपने बच्चों की शिक्षा पे अच्छे तरीके से धन निवेश भी करते हैं, जिसके चलते बड़े होने पर इन बच्चों की उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर दुख की बात ये है कि अशिक्षित और निर्धन परिवारों की आय बहुत कम होती है और इनके लिए शिक्षा का महत्व भी कम होता है। कभी कभी इन परिवारों के माता पिता रोगग्रस्त भी होते हैं, जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर पाते। साधनों का अभाव होने के कारण इन बच्चों को उचित शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती, जिनके कारण इनका विकास भी नहीं होता। और दोस्तों, गरीबी का यह दुष्चक्र बना रहता है। तो दोस्तों, इन सब बातों से हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ आता है कि शिक्षा हर व्यक्ति का मूल अधिकार है और सबके लिए जरूरी भी है। देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ शिक्षा हर व्यक्ति का जीवन भी बेहतर बनाती है। दोस्तों, सामान्य शिक्षा से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है और वही तकनीकी शिक्षा से उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, इसके चलते जो व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होता है उनकी आय भी उतनी ही अधिक होती है। दोस्तों, शिक्षा की इस महत्वता को समझते हुए शिक्षा और उसके अनुसंधानों को विकास के रूप में देखा जाने लगा। हमारे देश में कई शैक्षिक अनुसंधान हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की, जिसे अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली शिक्षा और अध्यापकों की शिक्षा में सुधार लाना। फिर आता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे अंग्रेजी में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहा जाता है। यह अनुसंधान राज्य स्तर पर शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करता है। फिर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की। यह संस्था उच्च शिक्षा में समन्वय एवं स्तर निर्धारण का कार्य करती है। दोस्तों, इसे अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे अनुसंधान कृषि के क्षेत्र में भी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाता है, भारत में कृषि तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा संबंधी गतिविधियों के संचालन का कार्य करता है। फिर हम बात करते हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की, जिसको अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है। चिकित्सा संबंधी देश के अधिकांश अनुसंधान कार्य इसी संस्थान द्वारा किए जाते हैं। आखिर में आता है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेस रिसर्च कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना और इस कार्य में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं को परामर्श और अनुदान देना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य के महत्व की। दोस्तों, मनुष्य के विकास और उसके सुखी जीवन के लिए उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की कार्य क्षमता उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादन कार्यों में भाग ले सकता है। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक आहार और अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की जरूरत है। ये तो हुई बात मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य के महत्व की। अब हम बात करते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में आवास का क्या महत्व है। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान
हर मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं। आवाज हमारी सामाजिक संरचना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज हमें जलवायु और तीव्र तापमान से सुरक्षा देता है। आवास का संबंध सिर्फ एक मकान से ही नहीं, बल्कि साफ सुथरे वर्ण, वायु, सुरक्षित पेयजल और अच्छे पड़ोस से भी है। मनुष्य के जन्म और उसके पालन पोषण की व्यवस्था भी आवास से सुनिश्चित होती है। इस प्रकार आवास की व्यवस्था मानवीय संसाधनों के विकास में सहायक होती है। मनुष्य की कार्य क्षमता और उसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवास का एक न्यूनतम स्तर अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मानव संसाधन और मानव पूंजी निर्माण के बारे में पढ़ने के बाद क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति कैसी है? दोस्तों, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गांव में निवास करता है। ज्यादातर ग्रामीण परिवारों की आय बहुत ही कम होती है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश नहीं कर पाते। ये बच्चे छोटी ही उम्र में तरह तरह के छोटे छोटे काम करने लगते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सकें। मानव संसाधन में निवेश का एक अच्छा उदाहरण है जापान। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसने मानवीय संसाधन में पर्याप्त निवेश किया है। यही कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने के बावजूद यह देश एक विकसित और धनी राष्ट्र है, जहां जापान अपने घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% से भी अधिक अनुसंधान और विकास पर व्यय करता है। भारत में यह प्रतिशत 1 से भी कम है। दोस्तों, ये तो बात हुई मानव संसाधन और मानव पूंजी निर्माण के बारे में। अब हम बात करते हैं पूंजी के बारे में। दोस्तों, जैसे हमने मानव पूंजी के बारे में पढ़ा, वैसे ही पूंजी, जिसे अंग्रेजी में हम कैपिटल कहते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं। तो अब हम बात करते हैं भौतिक पूंजी की। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी क्या होती है? चलिए मैं बताती हूँ। जब हम कल कारखाने, मशीन, उपकरणों आदि में पूंजी का निवेश करते हैं, तो हम इसे भौतिक पूंजी निवेश कहते हैं, और इस निवेश से भौतिक पूंजी निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, मानवीय पूंजी निवेश वह प्रक्रिया है जिससे विशेष योग्यता, क्षमता और अनुभव प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाती है। इसे हम मानवीय पूंजी निर्माण कहते हैं। दोस्तों, दोनों भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी कुल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद को हम अंग्रेजी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में क्या अंतर है। तो दोस्तों, सबसे पहला अंतर यह है कि भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है। इसके विपरीत मानवीय पूंजी सक्रिय होती है, जो भौतिक पूंजी को उत्पादन के योग्य बनाती है। दोस्तों, भौतिक पूंजी के क्रेता उसके स्वामी हो जाते हैं, लेकिन मानवीय पूंजी को उनके स्वामी से पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर है कि भौतिक और मानवीय पूंजी दोनों ही उत्पादन के गतिशील साधन तो हैं, लेकिन मानवीय पूंजी के समान भौतिक पूंजी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वही मनुष्यों की अपनी इच्छाएं भी होती हैं, जिसके चलते भौतिक पूंजी मानवीय पूंजी से ज्यादा गतिशील मानी जाती है। अगला अंतर है कि भौतिक पूंजी उत्पादन का एक निर्जीव साधन है। उत्पादक अपनी इच्छा अनुसार उसे काम में ला सकता है, लेकिन मनुष्य यानी कि मानवीय पूंजी एक सजीव साधन है। उसके कार्य पर मानवीय भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के बीच आखिरी अंतर यह है
की भौतिक पूंजी नाशवान होती है और प्रयोग के कारण इसका क्षय होता है, लेकिन दूसरी ओर मानवीय पूंजी को उचित भोजन, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा कार्यशील बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जनसंख्या की। किसी भी देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। देश का आर्थिक जीवन और उसका विकास बहुत अंशों में जनसंख्या के आकार और उसकी रचना पर निर्भर करता है। दोस्तों, एक देश के लिए किसी दिए हुए समय और परिस्थितियों में जनसंख्या की एक अनुकूलतम मात्रा होती है। इस जनसंख्या की मात्रा रहने पर देश के साधनों का समुचित उपयोग होता है और प्रति व्यक्ति आय अधिक से अधिक होती है। जनसंख्या की इस मात्रा को आदर्श जनसंख्या कहते हैं। लेकिन जनसंख्या में इस मात्रा से ज्यादा वृद्धि होने पर साधनों का अभाव हो जाता है और कई तरीके की परेशानियां निकल कर आती हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत की जनसंख्या बहुत ही विशाल है और इसका वृद्धि दर अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक है। इसलिए वर्तमान में भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में है। चलिए देखते हैं इस बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। सबसे पहला परिणाम है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों और संसाधनों की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण इनका अभाव हो जाता है। भूमि पर जनभार बढ़ जाने के कारण कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ बेरोजगारी की समस्या में भी बढ़ोतरी होती है। देश में मौजूद शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सुविधाओं में भी कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के इस बात में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि मानव संसाधन क्या है, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, मानवीय पूंजी निर्माण और भौतिक पूंजी निर्माण क्या होते हैं, और हमने इनके बीच के अंतर भी जाना था। जनसंख्या का मतलब क्या है और बढ़ती जनसंख्या का क्या प्रभाव है। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक अर्थशास्त्र में से पाठ 2 मानव संसाधन जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में मानव संसाधन की स्थिति कैसी है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है मानव संसाधन के भाग 1 का डेली टेस्ट। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। मानव पूंजी निर्माण में किन किन तत्वों का महत्व है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास या ऊपर लिखित सभी? आपका अगला प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त न होने के क्या कारण हो सकते हैं? बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके माता पिता निर्धन हैं, बच्चे नटखट होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षित होने के क्या लाभ है? देश और व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, व्यक्ति का निजी विकास होता है, या ऊपर लिखित सभी? आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? पौष्टिक आहार, अच्छी चिकित्सा सुविधा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश है जिसने अपने कुल घरेलू उत्पाद का 3% मानव संसाधन में निवेश किया है और शक्तिशाली राष्ट्र बना है? भारत, चीन, जापान या रूस? चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड 19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ, इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से करेंगे, फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे, तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सभी अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को जानते हुए। इस गुणधर्मों के बारे में हमने पिछले भाग में भी जाना था, अब हम इसके आगे जानेंगे। इन स्थितियों पर ध्यान दीजिए। HCl के साथ जब कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बना लेता है, और क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीला हरित होता है, इस वजह से जो विलयन है उसका रंग भी नीला हरित हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया कुछ इस तरीके की है। धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें मिलता है लवण और जल, जैसा कि पिछली अभिक्रिया में जो कॉपर क्लोराइड मिला था वो लवण था। जरा इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये अभिक्रिया तो कुछ कुछ ऐसे ही दिखती है, जहां पे अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते थे। तो अगर हम ऊपर लिखी अभिक्रिया की तुलना नीचे लिखी हुई अभिक्रिया से करें तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारकीय ऑक्साइड होता है, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है। चलिए अब जरा इस अभिक्रिया को याद कीजिए, जहां पर चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि श्वेत अवक्षेप बनाता था और जल मिलती थी। यहां पर ध्यान दीजिए
तो चूने का पानी क्षारक है, ये तो हम जानते ही हैं। श्वेत अवक्षेप एक लवण ही है और साथ में जल मिल रहा है। तो आप फिर से देखेंगे, क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है। तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अम्ल है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को कैसे लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें लवण मिलता है और साथ में जल मिलता है। तो सभी अम्ल और सभी क्षारक में समान गुण होते हैं, ये तो आपने ध्यान दिया ही होगा। कभी आपने सोचा कि इन गुणधर्मों में इतनी समानता क्यों होती है? क्या कारण है जो ये इतने समान होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमने देखा कि जितने भी धातु थे उन सभी के साथ अभिक्रिया करने पे जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे इतना तो पता चल ही जाता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में हाइड्रोजन होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी हाइड्रोजन युक्त यौगिक हैं वो सभी अम्लीय होते हैं? चलिए पता लगाते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यहाँ पर हमने किया क्या है कि हमने एक बीकर लिया है और हमने इसके अंदर दो कील लगाई हैं और वो एक बल्ब से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई विलयन डालते हैं जो विद्युत का सुचालक होगा तो बल्ब जलेगा, परंतु अगर विलयन विद्युत का सुचालक नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। अब हमने यहाँ पर एक तनुकृत अम्लीय विलयन डाला और हम ये देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अम्ल में H+ का घनायन होता है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण वो विद्युत का प्रवाह कर पाता है। तो हाइड्रोजन आयन के कारण अम्ल का गुणधर्म अम्लीय होता है, हमें इतना पता चल जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने बात करी अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और फिर हमने ये जाना कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं क्या हैं। इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT की किताब का अम्ल क्षारक एवं लवणों वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और pH क्या होता है। धन्यवाद। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने डंक मारा है? दरअसल मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसकी वजह से जलन और दर्द होता है। यही कारण है कि हम मधुमक्खी के पास नहीं जाते। अगर मान लीजिए मधुमक्खी डंक नहीं मारती तो क्या आप मधुमक्खी से डरते? नहीं, इसीलिए ये अपनी रक्षा के लिए डंक का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल क्योंकि ये अम्ल है तो दुर्बल क्षारकों के उपयोग से हमें आराम मिलता है, जैसे कि बेकिंग सोडा। सिर्फ जानवर ही इनका इस्तेमाल नहीं करते, एक पौधा भी है जिसे हम नेटल के नाम से जानते हैं। नेटल के डंक मारने वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। चलिए कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लेते हैं अब। क्या आप जानते हैं जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है, जो टमाटर होता है उसके अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है, वहीं अगर हम दूध की बात करें दूध और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने जाना दैनिक जीवन में pH का महत्व। इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप अपनी NCERT बुक का अम्ल क्षारक
एवं लवण वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जानते हैं अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम लवण के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बारे में जानेंगे और सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन से हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पाठ हम शुरू करते हैं एक कविता से, जो कि एक महाराष्ट्र के कवि नामदेव दसाल ने लिखी है। यह कविता 70 के दशक में भारतीय समाज में दलितों की पीड़ा का व्याख्यान करती है। सदियों तक सफर किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनके पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा था हमारा लहू, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। दोस्तों, नामदेव ठसाल की ये कविता 70 के दशक में पूरे भारत के सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करती है और यह बताती है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीति से कोसों दूर थी। दोस्तों, भारत में वर्ण व्यवस्था कुछ इस तरह है जिसमें एक जाति के लोग समाज में ऊंचे पायदान पर होते थे और अन्य जातियों के लोग क्रमागत के कर्म से नीचे। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। दोस्तों, यह व्यवस्था क्रम अनुसार है जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं और शूद्र सबसे निचले पायदान पर। दोस्तों, 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों यानी कि ऊंची जातियों का वर्चस्व था। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़ी जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। 1990 के बाद ही पिछड़ी जातियों और दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीति में उपस्थित हुई। इन अवधारणाओं के चलते कई राजनीतिक नीतियों का निर्माण भी हुआ। भारतीय राजनीति में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा है। सरकार अपनी नीतियों में दलित न्याय की पहचान सबसे केंद्र बिंदु का विषय बनाकर रखने का प्रयास करती है। दोस्तों, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में राजनीति का चित्र कुछ ऐसा ही है। राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति फोड़ करने लगती है और इसी तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाते हैं। और दोस्तों, वैसे भी अगर अलग अलग संघर्ष तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा तो देश विघटन की ओर चला जाएगा। दोस्तों, लोकतंत्र राजनीति में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना और अलग अलग समूहों से अलग अलग वायदे करना बहुत ही स्वाभाविक है। अलग अलग समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना बहुत ही अहम होता है। इसी के साथ साथ इन समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने की नीतियां बनाई जाती है। दोस्तों, कई देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच सीधा सीधा संबंध होता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि सामाजिक विभाजन के तीन निर्धारक तत्व कौन से होते हैं। पहला है लोगों की अलग अलग पहचान। दोस्तों, लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना,
जिसे हम अंग्रेजी में नेशनल थॉट कहते हैं, उसके अलावा उपराष्ट्रीय चेतना या फिर सब नेशनल थॉट या स्थानीय चेतना जिसे हम रीजनल थॉट भी कहते हैं, ये सभी होती है। दोस्तों, जब कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर, जब तक ऐसा माना जाएगा कि बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है और इसी तरह की और स्थानीय चेतनाएं खत्म नहीं होती, तब तक भारत की अखंडता, एकता और सामंजस्य खतरे में रहेगा। इसलिए सही यही होगा कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपनी अपनी मर्यादा में रहें और एक दूसरे की सीमा में दखल ना दें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटीज को राष्ट्रीय पहचान यानी कि नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा मानते हैं तो कोई भी समस्या नहीं होगी। ये तो था पहला तथ्य। दूसरा तथ्य है कि किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। दोस्तों, संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। अभी तक की गई चर्चा से एक चीज तो स्पष्ट होती है कि 70 के दशक के बाद राजनीति का स्वरूप और 80 और 90 के दशक में राजनीति परिदृश्य में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा तत्व क्या है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। अगर भारत ने पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत विखराव की कगार पर होता। लेकिन सरकार इनकी सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी बनाए रखने का प्रयास करती है और यह भी प्रयास करती है कि देश की मुख्य धारा से ये लोग जुड़े रहें। छोटे छोटे संघर्षों के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित है। दोस्तों, ये थे तीन तत्व जो सामाजिक विभाजन को निर्धारित करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जातीय व्यवस्था राजनीति को किस तरह प्रभावित करती है। दोस्तों, राजनीति में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। चलिए देखते हैं वो क्या क्या है। सकारात्मक पहलू यह है कि राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। इसके अर्थ में जातिगत राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो दूसरी ओर सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर जाति होती क्या है। दुनिया भर में सभी समाजों में सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। भारत की तरह दूसरे देशों में भी पेशा वंशानुगत है। पेशा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वमेव चला आता है। पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। दोस्तों, यह व्यवस्था जब स्थायी हो जाती है तो श्रम विभाजन का अतिवादी रूप कहलाती है। दोस्तों, पेशे पर आधारित समुदायों की पहचान अलग अलग होती है। इन समुदायों की अलग अलग पहचान के साथ साथ इनके पेशे भी मिलते जुलते होते हैं। इनके बेटे बेटियों की शादी आपस के समुदाय में ही होती है और खान पान भी
समान समुदाय में ही होता है। दोस्तों, इन बातों को इन समुदायों में बहुत ही गंभीर रूप से लिया जाता है और अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है उन्हें समुदाय से निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों, हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था भी शुरू में श्रम विभाजन पर ही आधारित थी और श्रम के अलावा इनमें आपस में खान पान और शादी विवाह भी होते थे, लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था स्थायी और कठिन हो गई और शादी विवाह और खान पान भी एक ही वर्ण तक सीमित रह गए। इसके बाद एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं हो गई जो समुदाय की अतिवादी व्यवस्था है। दोस्तों, इसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं जिसके बारे में हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ा था। दोस्तों, इसके चलते भारतीय समाज पूरे तरीके से अगली और पिछड़ी जातियों में विभाजित हो गए और इसके साथ साथ जातीय भेदभाव भी शुरू हो गए। निचली जातियों के प्रति छुआछूत का व्यवहार होने लगा और निचली जातियों को आज भी कई तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाई गई कई नीतियों और कोशिशों के बावजूद भारतीय समाज में असमानता है और औसत आर्थिक हैसियत यानी कि एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस का संबंध वर्ण व्यवस्था से गहरा है। चलिए देखते हैं कि राजनीति में जातियों के पहलू क्या है। तो दोस्तों, जाति राजनीति पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। चुनाव क्षेत्र में जिस जाति विशेष के मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है पार्टी उसी जाति के हिसाब से अपना अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट चुनती है। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करती है। कुछ दल विशेष की पहचान भी जातिगत भावना के आधार पर हो जाती है। निर्वाचन के वक्त पार्टियां वोटरों के बीच साख बनाने के लिए अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करती है। दलितों और निचली जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। उच्च वर्ग के लोग भी निचली जातियों के प्रति नर्म हो जाते हैं और इस दौरान इन जातियों में राजनीतिक चेतना जागती है। चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि जाति का राजनीति पर क्या प्रभाव होता है, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व कौन से हैं, और हमने जाति पर भी चर्चा करी। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का पाठ एक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूर पढ़िए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बीच क्या मेल है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए,
bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।